अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ FW ऑर्गेनिक ब्लीच का रिव्यू करने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से ना को मैंने ब्लीच किया है ना कोई स्किन पॉलिश किया है, तो मेरे हाथों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, इतने ज़्यादा मेरे हाथ डार्क हुए हैं धूप में बैठने की वजह से, और बहुत ज़्यादा ड्राई भी हुए हैं। तो रिसेंटली मैंने इस ब्लीच को बाय किया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे और काफ़ी अफोर्डेबल भी थी, तो मैंने सोचा ब्लीच करने लगी हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो इसकी पैकिंग भी बहुत ही क्यूट सी है, छोटी सी ये बॉटल्स हैं, आप इसे 4 से 5 दफ़ा इजीली घर पे कर सकते हैं। बैक पे एक्सपायरी वगैरह, इसका यूज़, इसके इंग्रेडिएंट्स सब कुछ इस पर मैंशन है। अच्छा जी, पाउडर इस तरह से पिंक कलर में है, पाउडर भी और डेवलपर भी। यहाँ पे मैंने सिर्फ हाथों पे ही ब्लीच करनी थी, तो 1/2 टीस्पून मैंने लिया है इसका पाउडर और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है इसका डेवलपर। इसकी कोई हार्श स्मेल नहीं है, लाइट से इसकी फ्रेगनेंस है, मींस के जिस तरह पान की खुशबू या तिब्बत के पाउडर की खुशबू आती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, या वैसे स्किन पॉलिश की है, ठीक है। इस ब्लीच में आपको ना कोई शाइनर, सूथिंग, बूस्टर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, स्किन पॉलिश ही है और इसकी कोई हार्श स्मेल नहीं है। मेरे हाथों पे कोई इचिंग नहीं हुई, कोई रैश वगैरह नहीं बना। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए थे, 10 से 15 मिनट आपने देने होते हैं ब्लीच को, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप कम टाइम भी दे सकते हैं। यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे और मैं अब इससे रिमूव करने लगी, और जब मैंने इसको रिमूव किया था तो मेरे मुँह से निकला था ओ माई गॉड, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स थे इसके, आप यकीन करें कि मेरी स्किन पे बिल्कुल ड्राइनेस नहीं हुई और इतने ज़्यादा मेरे हाथ सॉफ्ट हो गए थे। उसके अलावा आप लोग रिज़ल्ट आप लोग खुद ही देखें। यहाँ पे मैं हाथ को वॉश करके आई हूँ, इसे ड्राई कर रही हूँ। मुझे पता था कि इस ब्लीच के रिजल्ट्स अच्छे हैं। आप लोगों को ब्लीच के रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने एक हाथ पे ब्लीच अप्लाई की है, एक हाथ पे नहीं अप्लाई की। डिफरेंस आप लोग खुद देख लें, बाजू भी देख लें, और आप लोग ये भी देख लें कि बाल कितने अच्छे से इसने गोल्डन कर दिए। ब्लीच करने का मकसद ही ये होता है कि आपके बाल अच्छे से गोल्डन हो जाए, आपकी स्किन 1 से 2 टोन लाइट हो जाए, ठीक है। ब्लीच आपके रंग को गोरा चिट्टा नहीं करती, ये कंसेप्ट अपने माइंड से निकाल दें और आप दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकते हैं। मेरी तरफ से ब्लीच हाईली रिकमेंडेड है। ब्लीच आपको कहाँ से मिलेगी मैं इनका व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, काइंडली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो इसको बाय करें, यूज़ करें और अपने रिव्यूज़ भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जब मैंने ईशा ऑर्गेनिक्स के ब्लीच का रिव्यू किया था तो वो ब्लीच मुझे इतनी खास नहीं लगी। एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 1000 की वो ब्लीच मिलेगी आपको, और उसने बालों को भी गोल्डन नहीं किया, और इस तरह के अमेजिंग रिजल्ट्स उस ब्लीच ने नहीं दिए। अगर आप लोग ब्लीच ऑनलाइन बाय नहीं करना चाहते तो किसी भी लोकल मार्केट से आपको वेला की ब्लीच मिल जाएगी। ओरिजिनल उसकी पैकिंग कौन सी है वो भी मैंने वीडियो अपलोड किया, वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।